कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी विधानमंडल दल के नेता अजय सिंह लल्लू के निर्देश पर उन्नाव कांड को लेकर 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान इंग्लिश या लाइन तिराहे से शुरू। मंडल प्रवक्ता एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह एवं राकेश चंद्र के अगुवाई में हुआ प्रारंभ। वाराणसी संवाददाता तौफीक खान। किस प्रकार का सिग्नेचर अभियान किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? माननीय प्रियंका जी के आह्वान पर पूरा उत्तर प्रदेश हर जिलों में जगह जगह जो है उन्नाव के पीड़ित को लेकर राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पीड़ित को 1 करोड़ रुपया मुआवजा, उसके परिवार को संरक्षण और तत्काल उस पर कार्रवाई और विधायक को ऊपर बर्खास्तगी के लेकर जो है ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इतनी निंदनीय घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप उस घटना के बारे में और उस बच्चे के बारे में? इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है और काशी के लोग बहुत मरमाहा है इस घटना से, इस घटना को लेकर, और काशी के लोग अंत तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। लगभग कितने लोगों ने सिग्नेचर अभियान किया है अभी तक? तो ये कम से कम 200-400 लोगों ने यहाँ सिग्नेचर हस्ताक्षर कर दिया है, ये शाम को 5 बजे तक चलता रहेगा। एक साथ कितने जगहों पर आप लोगों का हस्ताक्षर अभियान किया जाए? जगह जगह जगहों पर चल रहा है, जैसे बीएचयू गेट पर चल रहा है, सिटी स्टेशन के पास चल रहा है, रोहनिया में चल रहा है, हर जगह जिले के सभी चौराहों पर लगभग ये अभियान चल रहा है। प्रदेश भर की बात किया जाए, क्या प्रदेश स्तर पर ये हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है आप लोग? हाँ, ये पूरे प्रदेश में सभी जिलों में ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस पीड़िता के साथ है जी, पूरा पूर्ण रूप से पीड़िता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है।